ऊर्जा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत पहुंचे। मौके पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मनोहर लाल के निशाने पर कांग्रेस रही और कहा कि मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, देश शक्तिशाली बन रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस ने जनता को गुमराह किया है, जो कि गलत प्रचार किया गया है कि संविधान बदल देंगे, उसकी वह निंदा करते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगे कि वह जनता के बीच जाकर ये जरूर बताएं कि संविधान गीत की तरह पवित्र है, इसको बदलने की बात कभी नहीं आई। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में जो 10 वर्ष के दौरान पिछली सरकार रही है, उन्होंने देश हित को लेकर कार्य किया है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि हरियाणा से 3 मंत्री केंद्र में बने रहे और उनके मंत्रालय के तहत अधिक से अधिक विकास कार्य हरियाणा में करवाने के प्रति गंभीरता से कार्य किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि लोकसभा के चुनाव पूर्ण हो चुके हैं और जो पसीना आया है उसे सूखने नहीं देना। अब विधानसभा चुनाव आने वाला है। जनता के बीच में जो झूठा प्रचार किया गया है वह कांग्रेस की खिचड़ी पक रही है। वह सरकार बनाएंगे, ऐसा होगा नहीं। हरियाणा में भाजपा तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए तैयार है। और उस प्रचार के कारण से हमारा एक वर्ग उनके झांसे में आ गया। उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन दिए और गलत वक्तव्य दे करके कि आखिर मोदी जी सरकार तो 272 बना लेगी लेकिन 400 क्यों चाहिए, इस प्रश्न को लेकर के कि अगर 400 आ गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, ये मिथ्या प्रचार जो उन्होंने किया है मैं इसकी निंदा भी करता हूं और हम उस वर्ग को जाकर के बताएं, समझाएं कि संविधान हमारे लिए एक पवित्र गीता की तरह है। संविधान बदलने का कभी कोई विषय आज तक आया नहीं, कभी आएगा नहीं। तो इसलिए इस विषय पर हम उन भाइयों को जाकर समझाएं जिनके मन में ये डर बैठा दिया। आखिर पिछली सरकारें लगातार 10 साल तक जो चली हैं समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अब बड़े कामों की तरफ तो उनका ध्यान नहीं गया लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं घर कर गई हैं, इसमें हमें जाकर संभालना होगा। और अब अगले 3 महीने बाद हम अपनी जो भी जहां जहां कोई कमी आई है उसको दूर करने के लिए आप लग जाएं। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार जितना भी ज्यादा ज्यादा सहयोग हरियाणा का कर पाएगी, हम 3 मंत्री वहां हैं, अपने अपने विभाग से भी कराएंगे, बाकी सब जगह भी कराएंगे। सोनीपत जिला तो इसका प्रत्यक्ष गवाह है कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने यहाँ हाईवेज निकले हैं, जितना रेलवे का यहाँ काम हुआ है और जितने भी विषय हुए हैं एक से एक बढ़कर के हुए हैं। इन सब चीजों को हमको ध्यान भी कराना है और जहां कहीं कोई अपने को लगता है कि और नए कामों की जरूरत हो, निसंकोच बताना है। ऊर्जा विभाग ये अपने पास आया है, शहरी विकास और हाउसिंग ये अपने पास आया है, तो ये दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। इन विभागों के माध्यम से हरियाणा के, खास करके जो दिल्ली के आसपास NCR का एरिया है, इसमें तो भरपूर काम होने वाले हैं। आपकी ओर से कोई सुझाव आएंगे, कोई डिमांड आएंगी, उसको पूरे का पूरा समर्थन देकर के उन चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। इतना ही निवेदन है कि इस पसीने को सूखने मत देना, विधानसभा के चुनाव तक इस पसीने को सूखने मत देना और अगर आगे बढ़ोगे तो इसी इलाके की भागीदारी और बढ़ेगी। हम यहाँ हर एक विधानसभा के लोग, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, सबसे निवेदन कर रहा हूँ, चाहे फिर अपना सोनीपत है, राई है, खरखोदा है, गुहाना है, खरखोदा ये अपना बड़ौदा, सभी विधानसभा के कार्यकर्ता एक एक घर में जा करके इन चीजों को जाकर हम संभालें। और समय कम होते हुए भी हमारे पास संभालने के लिए समय है, हर वर्ग के लोग हमारे पास हैं और जो कांग्रेस का झूठा ये प्रचार है इसको निरस्त करें। हम पूरा विश्वास कर रहे हैं, आप लोग विश्वास करें इस बात का कि हरियाणा में तीसरी बार फिर से सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। कांग्रेस का ये जो एक थोथा प्रचार है सरकार बनाने का, उनके घर में तो जिस प्रकार की खिचड़ी पकती है अपने को पता है, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं। जनता से प्यार, जनता का आशीर्वाद ही अपने को लेना और आप काम में आगे बढ़ जाएं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।